नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा, देश में कोविड 19 का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर होने का प्रमाण नहीं। संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई। कोविड 19 के फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और समूह में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध पर जोर। उच्चतम न्यायालय ने कहा, दूरसंचार कंपनियां अपने बकाया एजीआर के बारे में स्वयं कोई मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती। ऐसा करने पर उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध। और यस बैंक में आज शाम 6 बजे से कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण 2 पर ही स्थिर है। Majority of our patients who have arrived, हमारे अधिकतर मरीज वे हैं जो विदेश यात्रा से लौटे हैं या वे हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं। ये वायरस का स्थानीय संक्रमण यानी लोकल ट्रांसमिशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी सख्ती से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करते हैं। इस सिलसिले में सरकार ने अपनी तरफ से कई कदम उठाए हैं जिससे इसकी रोकथाम में मदद मिलेगी। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग जगहों से लिए गए 500 नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 72 प्रयोगशालाओं में इस वायरस की जांच की व्यवस्था है। इनके अलावा सरकारी क्षेत्र की 49 अन्य प्रयोगशालाओं को भी इस काम में जोड़ा गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि परिषद में 2 ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं जिनमें प्रतिदिन 1400 नमूनों की जांच की जा सकेगी। ये प्रयोगशालाएं इस सप्ताह के अंत तक चालू हो जाएंगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा के दल ने कोविड 19 संक्रमण से ग्रसित इटली के मरीजों का इलाज किया था। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉ शर्मा ने बताया कि लोगों को इस संक्रमण से घबराने के बजाय साफ सफाई के जरूरी उपाय अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोविड 19 से संक्रमित सभी व्यक्तियों को इलाज की जरूरत नहीं होती। संक्रमण के अत्यधिक लक्षणों वाले मरीजों को ही इलाज आवश्यक होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अगले महीने तक किसी भी तरह के आंदोलन या प्रदर्शन में भाग न लेने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की है। अगले एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का जन आंदोलन नहीं करेगी, न ही किसी प्रदर्शन में भाग लेगी। कोई अगर विषयों के बारे में चर्चा करनी होगी तो 4-5 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देंगे, लेकिन आंदोलन से अपने आप को दूर रखेंगे। सरकार ने कोविड 19 संक्रमण के कारण मलेशिया में क्वालालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एयर एशिया की 2 उड़ानों की मंजूरी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि क्वालालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय विद्यार्थी और अन्य यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन लोगों से एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है। भारत ने यूरोपीय संघ के देशों तुर्की और ब्रिटेन से यात्रियों के प्रवेश पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से भी लोगों का आना रोक दिया गया है। संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर आज से सांसदों की थर्मल जांच की व्यवस्था शुरू हो गई है। वायरस संक्रमण को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव पर यह व्यवस्था की गई है। राजस्थान सरकार और कई विभागों ने कोविड 19 को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट समेत जयपुर के सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक, किले और पर्यटन स्थल इस माह के अंत तक बंद कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले और उत्सव भी रद्द करने का फैसला किया गया है।
नाथ द्वारा मंदिर मंडल ने श्रीनाथ जी के दर्शन बंद करने का निर्णय किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर अनचाहे भीड़ को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रूपये से बढ़ाकर 30 और 50 रूपये कर दी है। महाराष्ट्र में कोविड 19 के रोगियों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। विदेश से पुणे आए एक व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुंबई में संक्रमण से कल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज जानकारी दी कि कोरोना वायरस मामले के परीक्षण के लिए राज्य भर में 7 और प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अभी की हालात में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू रहेंगी। सरकारी कार्यालयों को भी शुरू रहने की ही अनुमति दी गई है। यदि लोग अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं देते हैं और भीड़ कम नहीं करते हैं तो आवश्यक सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं का ठहराव अपरिहार्य हो सकता है। निवेदिता भोरकर, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। हालांकि दिन में 4 बार की जा रही आरती जारी रहेगी। लेह में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के 2 नए मामले आने से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कहा है कि वे नोवल कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए जोर शोर से उपाय करें। इस क्षेत्र के सभी 11 देशों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के प्रयास में लगी कंपनियों और देशों के लिए 14 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की है। ये घोषणा 120 से अधिक देशों के इस संक्रमण की चपेट में आने के बाद वैश्विक मंदी की आशंका के बीच की गई है। देश में इस वायरस के संक्रमण के 137 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से 113 भारतीय हैं और 24 विदेशी नागरिक हैं। अब तक 14 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कुल 3 लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने बताया कि हर तरह की खांसी कोरोना वायरस से संक्रमण का लक्षण नहीं है। ये बात समझना जरूरी है कि हर एक खांसी कोरोना वायरस नहीं है, इसलिए इसके साथ दो चीजें अभी हमारे वायरस हमारे देश में उसमें जुड़ जाती हैं। और एक ये है कि पिछले 14 दिन में अगर आप किसी ऐसे देश से आए हैं कोरोना वायरस एपिडेमिक हो रहा है या आप किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में आए लेबोरेटरी कन्फर्म कोरोना वायरस केस है, तभी आपको जो बुखार खांसी है का शक हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण है। अगर किसी को वैसे खांसी हो रही है जो मौसम के साथ जुकाम नजला होता है वही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैक्स अस्पताल समूह के अध्यक्ष डॉ बलबीर सिंह ने मास्क के महत्व के बारे में बताया। तो पहली चीज N95 सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स में जिनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है देन अदर पॉपुलेशन को, तो जो बाकी पॉपुलेशन है सर्जिकल मास्क गुड इनफ है। हैंड सैनिटाइजेशन शायद ज्यादा जरूरी है मास्क से, बट अगर कोई आपके ऊपर कॉफ करता है या कोई खांसी कर रहा है आप उसको रोक नहीं पाओगे तो आप कम से कम मास्क हो, आईज कवर्ड हो स्पेक्स से या गॉगल से, ये बहुत हेल्पफुल तरीके हैं मास्क लेकिन कवर करना है तो नोज से लेकर नीचे तक। और दूसरा ध्यान मास्क का ये है कि आपको उसको हाथ से बार बार एडजस्ट नहीं करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें। आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए स्पर्श न करें। हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढक कर रखें। सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है जिसका नंबर है 011239780 4 6।
कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए ईमेल आईडी ncov2019@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस बीच नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर देश की सभी मस्जिदों में अगले 4 सप्ताह के लिए नमाज स्थगित कर दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से अपने प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। हमारे टेलीफोन नंबर 01123314444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @IRNewsAlerts पर #AskIR पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ये परिचर्चा FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुनी जा सकती है। इसे हमारे वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल newsonair official तथा हमारे ऐप newsonair पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @IRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियां अपने बकाया AGR के बारे में स्वयं कोई पुनर्आकलन नहीं कर सकती। ऐसा करने पर उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि बकाया AGR के मामले में उसका निर्णय अंतिम है और उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। न्यायालय ने इस मामले पर समाचार पत्रों में छपे लेखों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशक इस तरह के लेख लिखने पर निजी रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भरोसा दिलाया है कि सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड की हालत सुधारने के लिए वचनबद्ध है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये बात कही। मेरी सरकार का यह कमिटमेंट है कि BSNL MTNL जीवित भी रहे, प्रतिस्पर्धा में भी आए। इसलिए अगर वही पुराना चिंतन रखेंगे जितना एम्प्लॉय का लोड था तो ये उचित नहीं होगा सर। इसलिए उस पदों को हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। BSNL MTNL दोनों अधिक प्रोफेशनल बने, अधिक प्रतिस्पर्धी बने, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यस बैंक के मनोनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार ने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि आज शाम 6 बजे से बैंक का कामकाज पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि नकदी के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है और सभी बैंक शाखाओं तथा एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पोषण अभियान के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस महीने की 8 से 22 तारीख तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में भी स्वास्थ्य संबंधी कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पोषण पखवाड़ा 2020 के दौरान गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पुरुष सदस्य की उपस्थिति में घरवालों को गर्भवती महिला और बच्चों को कैसे बेहतर पोषण दिया जाए उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। गुजरात के पोषण अभियान के मिशन निदेशक राकेश कुमार व्यास ने बताया। सारे आंगनवाड़ी वर्कर बहनों ने होम विजिट काफी अच्छी संख्या में की थी और घर का जो मेल मेंबर है उसको वहां पर घर में रख के उनको भी काउंसलिंग किया गया कि पोषण और न्यूट्रिशन की सिर्फ ये जिम्मेदारी है वो औरत की नहीं है। दूसरा, हमने स्कूल में और कम्युनिटी लेवल पे हैंड वॉशिंग का एक बहुत अच्छा अभियान चलाया। तीसरा, हमने जो फोकस रखा था वो आंगनवाड़ी में जो न्यूट्री गार्डन बनाने थे वो न्यूट्री गार्डन का भी यूज करके बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया जाए। अपर्णा खुट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा देश में कोविड 19 का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर होने का प्रमाण नहीं। संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई। कोविड 19 के फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और समूह में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध पर जोर। यस बैंक में आज शाम 6 बजे से कामकाज पूरी तरह शुरू हो जाएगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।